हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का अर्थ होता है ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ हो। इसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। ये पाठ जापानी भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। इसमें पढ़ने वाले दो बच्चों की कहानी है, जिनके लिए पहले क्या हुआ करता था कि रेल के डिब्बों में इनकी कक्षाएं लगती थी और गहरे जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट हुआ करता था और हर एक बच्चे के लिए एक पेड़ है वो खेलने के लिए होता था। ये लेखिका के बचपन के अनुभव पर आधारित है। तो चलो देखते हैं क्या बताया गया है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, यानी आमंत्रण दिया था। तोतो चान है वो एक लड़की है और यासुकी चान है वो एक लड़का है। तो तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पे बुलाने के लिए आमंत्रण दिया। तोमई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमई एक गांव का नाम है। वहां पर हर एक बच्चा यानी एक एक बच्चा अपने पेड़ को खुद का अपना पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहो ने बुत्सु यानी एक ये जगह का नाम है, जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पेड़ फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा, द्विशाखा का अर्थ होता है द्वि यानी दो, शाखा यानी दो, शाखा यानी दो डाल। कि पेड़ के तने का वह भाग जहां से दो मोटी डालियां एक साथ निकलती हो, उसे कहते हैं द्विशाखा। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। जब वह तोतो चान वहां पे जाके बैठती तो उसे ऐसा लगता था जैसे कोई झूले पर झूल रहे हो। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, कि जैसे स्कूल की छुट्टी होती तो जो तोतो चान है वो उस पेड़ पे जाके बैठ जाती, वहीं पर मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। वह पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती और वहां से सड़क पर चलते हुए लोगों को देखती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, कि सारे जो बच्चे थे वो हर एक पेड़ को अपना ही समझते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से यदि उसको किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो वह क्या बोलते कि माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसे उसको पूछना पड़ता था। कि बिना किसी अनुमति के वह दूसरे पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्योंकि यासुकी चान जो लड़का था उसके पोलियो की बीमारी थी, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और नहीं वह अपनी निजी यानी नहीं वो किसी पेड़ को अपना समझता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रण किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनन चोफू कोई जगह का नाम है वहां जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, कि जब तोतो चान घर से निकली तो अपनी माँ को झूठ बोल रही थी कि वह तो यासुकी चान के घर जा रही है, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतू पर ही गड़ाए रही। रोके उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। कि जब वह तो यासुकी चांद के घर जा रही थी तोतो चांद तो उसके पीछे पीछे रोकी है, वो उसके पीछे पीछे तक गया। तो तोतो चान को उसको सच बताए बिना रहा नहीं गया और पूरी सच्चाई उसको बता दी। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, तोतो चान ने कहा कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है और उसको आज मैं मेरे पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान के क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था।
जब उन्होंने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया तो उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, चारों तरफ कोई शोर शराबा नहीं था और छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, यानी कोई शोर शराबा नहीं था। तोतो चान से यासु की चान है वो केवल एक वर्ष ही बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान क्या समझती थी कि यासु की चान है वो मेरे से बहुत बड़ा है, ऐसा उनको लगता था। जैसे ही यासु की चान ने तोतो चान को देखा वह पेड़ घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा, उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी कि वह उत्सुक थी, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास में यानी खुश होकर ठटियाकर हंसने लगी, यासु की चांद भी उसको देखकर हंसने लगा। तोतो चांद यासु की चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। उसके बाद वह तुरंत यानी फटाफट चौकीदार के छप्पर की ओर भागी और जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। कि तोतो चान है वो चौकीदार के छप्पर की ओर तुरंत भागी, टापट भागी और वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उस सीढ़ी को उस पेड़ की शाखा शाखा तक पहुंचाने के लिए उसको वहां पे रख दिया कि उसके सहारे जो ये यासु की चान है वो आसानी से पहुंच जाए। सीढ़ी के किनारे को तोतो चान ने पकड़ लिया, तब उसने पुकारा, फिर उस यासु की चान को बोली कि अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासु की चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे, क्योंकि उसको पोलियो की बीमारी थी इसलिए उसके हाथ पैर बहुत ही कमजोर थे, वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासु की चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी जब उससे चढ़ा नहीं गया सीढ़ी पर क्योंकि उनके हाथ पैर बहुत कमजोर थे, तो तोतो चान ने क्या किया कि वो नीचे उतर कर आ गई और यासु की चान को धक्का मारने लग गई पीछे से। पर तोतो चान थी छोटी, तोतो चान है वो यासु की चान से छोटी थी और नाजुक सी, इसे अधिक सहायता क्या करती, कि इससे जाता तो सहायता क्या कर सकती थी। उसको नीचे उतर के उसने धक्का मारने लगी ऊपर चढ़ाने के लिए। यासु की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जब उसे सीढ़ी पर नहीं चढ़ा गया तो यासु की चान है वो सीढ़ी से अपने पैर को हटा लिया यानी नीचे वापस उतर गया और हताश यानी दुखी होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी, कि उसको ऐसा लग रहा था कि जितना वह सोच रही थी कि फटाफट उसको पेड़ पे चढ़ा लेंगे, लेकिन वह काम इतना आसान नहीं था। अब क्या करे, वह सोचने लग गई कि अब क्या करे। यासु की चान उसके पेड़ पर चढ़े, वह चाहती थी कि जो यासु की चान है उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासु की चान के मन में उत्सुकता थी कि मैं भी पेड़ पे चढ़ूं। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए क्या करना पड़ा, गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े ताकि जो ये यासु की चांद है वो हार नहीं माने और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करें। ठहरो एक बात सूझी है, तोतो चांद ने यासु की चांद से कहा कि एक बार आप रुक जाओ, एक बात मुझे सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट उलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, तिपाई सीढ़ी यानी तीन पैरों वाली सीढ़ी मिली उसको, जिसे किसी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, कि जो तोतो चांद जो सीढ़ी तिपाई नामक तिपाई सीढ़ी घसीट कर लाई वो सीढ़ी उसकी पेड़ की जो दो द्विशाखा थी उस तक आराम से पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, तोतो चांद ने यासु की चांद से कहा कि अब आप डरना मत। उसने किस प्रकार कहा, जैसे कोई उसकी बड़ी बहन उसको आवाज बड़ी बहन की आवाज में वह कहा, ये डगमगाएगी नहीं। उसने यासु की चांद को कहा कि ये जो सीढ़ी है वो बिल्कुल भी डगमगाएगी नहीं, यानी गिरेगी नहीं। यासु की चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तर बतर तोतो चांद की ओर देखा।
यासुकी चान ने क्या किया कि उसने घबरा कर पहले तो उस पीपाई सीढ़ी को देखा और जो पसीने में तर हो रही थी तोतो चान उसकी ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। यानी उसको ये भी दोनों बच्चों को पता नहीं था कि कितनी धूप हो रही है। उसका ध्यान तो केवल यही था कि हमें तो इस पेड़ पे चढ़ना है। दोनों का ध्यान है वो पेड़ पर पहुंचने में था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तोतो चान ने क्या किया, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए उसका एक एक पैर उठाकर उसको सीढ़ी पर रख रही थी, उसको सहारा दे रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी और पीछे से क्या कर रही थी, अपने सर से उनके पिछले हिस्से को भी धक्का मार रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। यासुकी चान ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और उसके बाद वह ऊपर पहुंच गया। फिर क्या हुआ, हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। फिर क्या सोचने लगे, उसे जितनी भी मेहनत की वो बेकार लगने लगी, क्योंकि वो उन पेड़ की द्विशाखा तक तो पहुंच सकते थे, अब ऊपर कैसे पहुंचे, ये उनको चिंता सताने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। तोतो चान ने तो सीढ़ी से सीधा छलांग लगाया और सीधे ही द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, क्योंकि वो द्विशाखा तक तो पहुंच गया लेकिन अब पेड़ के ऊपर कैसे पहुंचे, इसलिए उसको ये जो सारी उन्होंने कोशिश की वो बेकार लगने लग गई। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा कि वह सीढ़ी को पकड़े पकड़े तोतो चान की ओर देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को भी, यानी वह बड़ी दुखी हुई। उसने तो यह चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, कि तोतो चान की तो यह इच्छा थी कि उसने अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ाकर नई नई चीजें दिखाएं, पर वह तो पेड़ की द्विशाखा पर भी बड़ी मुश्किल से उसको सीढ़ियों के सहारे पहुंचाया था। तो अब वह सोचने लग गई कि उसको पेड़ पे कैसे चढ़ाएं। वह रोई नहीं, वह खूब दुखी हुई पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। जो यासुकी चान का पोलियो से जो अंगुलियां पिचकी हुई थी, अकड़ी हुई थी, उस अंगुलियों वाला हाथ तोतो चान ने अपने हाथ में थमा लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, अंगुलियां भी लंबी थी, क्योंकि वो तो यासुकी चान उससे बड़ा था, वह तो छोटी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रहा, कि कई देर तक तो उसने तोतो चान के हाथ को पकड़े रखा। तब तोतो चान बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसने यासुकी चान को कहा कि तुम इस पेड़ पे लेट जाओ और मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, कि जब तोतो चान है वो शाखा पर ऐसे खड़ी थी और अपने दोनों हाथों से उसको खींच रही थी, तो यदि कोई बड़ा आदमी देख लेता तो वो तो डर ही जाता, ये सोचता कि ये नीचे गिर जाएगी। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से, यानी अपने छोटे छोटे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, यानी धूप है वो बहुत तेज थी, उससे क्या हुआ कि जो बादल का एक टुकड़ा था वो बीच बीच में छाया कर रहा था और उससे धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तर बतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। कि बहुत सारी उन्होंने मेहनत की और काफी मेहनत और परेशानी के बाद दोनों पेड़ पे द्विशाखा पर बैठ गए और वो दोनों क्या थे, पसीने से एकदम
तर बतर हो गए थे और तोतो चान ने फिर सम्मान से झुककर कहा कि मेरे पेट पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर यासुकी चान ने तोतो चान से कहा, पहले तो वह झिझका यानी डरा और फिर डरता हुआ मुस्कुराया और फिर उसने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने सोचा कि पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है, उसने ऐसी नई झलक देखी। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। दोनों पेड़ पर बैठ गए और बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे यानी बातचीत करते रहे। यासुकी चान ने कहा कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, वह चीज क्या होती है? टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था यानी खुश होकर बता रहा था। वह कहती कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय ये न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने में क्या अर्थ होगा। वह तो ये ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा पाएगा। उन्होंने तो ये सोचा कि जो ये सुमो पहलवान है वह डिब्बे में कैसे समा पाएगा यानी डिब्बे में कैसे आएगा, उसका आकार तो बहुत बड़ा है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी है, लुभावनी यानी लुभावनी का अर्थ होता है मन को भाने वाली लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था कि उस समय टेलीविजन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि टेलीविजन क्या होता है। पहले पहल यानी सबसे पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ है वो गीत गा रहे हैं और दोनों बेहद खुश थे। तोतो चान और यासुकी चान है दोनों बच्चे बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था, वह तो पोलियो की बीमारी से पीड़ित था, उसने कभी नहीं सोचा कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, उसके लिए तो ये पहला और अंतिम मौका था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।